हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत ही ये हलवा पसंद आएगा। वीडियो पे अंत तक बना रहें ताकि हम कैसे बना रहे हैं आप इसको देखें। लास्ट में हम एक आपके साथ सीक्रेट भी शेयर करेंगे। चलिए बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लिए हैं 1/2 कप घी। इसी कप से हम बराबर मात्रा में चीनी लिए हैं, सूजी लिए हैं। दोनों का तीनों का मात्रा एकदम इक्वल होना चाहिए। और हलवा बनाने के लिए लास्ट में डालने के लिए उसमें लिए हैं हम काजू 5 पीस, थोड़ी सी किशमिश, 5 पीस बादाम, ग्राइंड किया हुआ नारियल और 2 चुटकी छोटी इलायची। और दूध हम लिए हैं, दूध को हम मेजरमेंट बाद में बताएंगे कितना डालेंगे उसी समय। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम हाई फ्लेम पे रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को करेंगे गरम। कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे घी। घी हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। और इसे भूनेंगे ब्राउन होने तक। ये हलवा घर के हो रहे पूजे में बनाए या फिर कोई मेहमान आए तो भी बनाएं, या फिर घर पे जब भी मन करे तो इस तरह का बना करके देख सकते हैं। बहुत ही यम्मी हलवा बनता है ये। अब ये आप देख सकते हैं, ये हल्का ब्राउन हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा काजू, आलमंड, किशमिश, ये सबको थोड़ा सा हम इसके साथ भून लेंगे। इलायची भी थोड़ा सा डाल, 2 चुटकी इलायची उसको भी हम डाल देते हैं। और 1 मिनट तक और भुनेंगे। फ्लेम को कर देंगे कम। अब हम इसमें बताए थे ना उसी समय मेजरमेंट दूध का, तो अब हम इसी कप से, जिस कप से हम सूजी, चीनी और घी मापे हैं उसी कप से हम 2 कप दूध डालेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। और इसी वक्त हम चीनी भी डाल देंगे और फ्लेम को कर देंगे हाई। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। आप चाहें तो 3 कप दूध भी ले सकते हैं या फिर 3 कप पानी ही ले सकते हैं। जो जितना हम सूजी डालते हैं उसी का 3 गुना हम पानी या दूध लेते हैं। दूध नहीं है तो आप दूध को स्किप कर सकते हैं। दूध और पानी हमारा 80% तक देख रहे हैं तब तक वो सॉफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें जो स्टार्टिंग में बताए थे ना कि वो सीक्रेट चीज़ हम लास्ट में वीडियो का अंत तक बने रहें हम दिखाएंगे, वो सीक्रेट है मेरा थोड़ा सा खोआ। इसको हम एंड में डाल देंगे। ये 1/2 कप में थोड़ा सा कमी है। और इसी समय हम थोड़ा सा डालेंगे ग्राइंड किया हुआ नारियल और थोड़ा सा हम बचा के रख देते हैं गार्निश के लिए। आप इसे घर पे एक बार ज़रूर से ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हलवा कैसा बना है। अब हम फ्लेम को करते हैं बंद।
और प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं हमारा हलवा कैसा बना है। और हम अब इस पे ग्राइंड किया हुआ नारियल से गार्निश कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखें और हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।